इस देश ने अच्छे प्राइम मिनिस्टर देखे, बुरे देखे, काम करने वाले देखे, निकम्मे भी देखे, इतना झूठा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। इतना सफेद झूठ, मतलब इस देश में प्रधानमंत्री कुछ बोलता था तो उसकी एक रेस्पेक्ट, भाई ये पीएम ने बोला है, इस चीज की एक रेस्पेक्ट थी। अब कुछ भी वो जैसे ही प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, मैं एकदम जहां भी मेरे हाथ में होता है कुछ फैक्ट चेक कर लेता हूँ कि भैया क्या बोल दिया। ऐसी स्कीम को अपना इनका स्टाइल है नहीं, यू करके वो ऐसी स्कीम को अनाउंस कर देते हैं नई, जो 30 साल से चल रही है, उसे अपनी स्कीम बता देते हैं जो अटल जी अनाउंस करके गए थे, जो पिछले 70 साल में काम हुआ उसको अपना घोषित कर देते हैं, जो नहीं हुआ उसको हुआ हुआ बता देते हैं। आप मुझे बताइए, देश के लिए मर मिटने वाले वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति मिलने गया था? मिलने गया था? मैं जरा आपसे पूछता हूं, गया था कोई? गया था? पंडित नेहरू गए और 10 अगस्त 1929 के ट्रिब्यून ने पूरी एक रिपोर्ट छापी, जिसमें नेहरू ने कहा कि मुझे उनसे मिलकर बड़ा दुख हुआ, उनकी हालत बड़ी खराब हो चुकी है, सबकी सेहत बहुत खराब थी। कितना दुखद है कि वोट के लिए प्रधानमंत्री गलत भी बोल रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, और रैली में जाकर इस तरह से आप केमिस्ट्री का फॉर्मूला पूछ दें, फिजिक्स का फॉर्मूला पूछ दें, इतिहास का चैप्टर पूछ दें, बताएं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, लोग क्या बताएंगे? जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है, वैसा थोड़ी होता है कि ऑफ द कफ कुछ भी बोल दिया प्राइम मिनिस्टर ने, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने, उनके स्पीच राइटर्स होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है कि इस शहर में कौन से टॉपिक पे बात करनी है, क्या क्या कहना है, सब कुछ समझ के होता है। तो इतनी गलत हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कैसे चली जाती है? तो हो नहीं सकता कि पीएमओ में सब लोग नालायक हैं और किसी को पता ही नहीं हिस्ट्री? ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां पर पीएमओ में किसी को नहीं पता है कि अलेक्जेंडर बिहार नहीं आया था? एक क्राउड के सामने जहां 25,000 आदमी खड़े हैं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है सिकंदर गया था बिहार। जब सिकंदर आया